Hey guys, welcome to Easy Engineering Classes. We are continuing with software engineering lectures, and from today we'll start with COCOMO 2 model, which is cost estimation model, but the extended version of the basic COCOMO model. So COCOMO 2 model was also developed by Barry Bohem, and it is a revised version of original COCOMO model. So COCOMO मॉडल में हमने तीन डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, और ऐसे ही कोकोमो 2 मॉडल में भी तीन डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. और वो स्टेजेस क्या है? फर्स्ट इज एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन एस्टिमेशन मॉडल, द सेकेंड इज अर्ली डिज़ाइन मॉडल, एंड द थर्ड इज पोस्ट आर्किटेक्चरल मॉडल. आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन एस्टिमेशन मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट के दो लेक्चर्स में हम अर्ली डिज़ाइन एस्टिमेशन और पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल को पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर कोकोमो 2 मॉडल. सबसे पहले एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन एस्टिमेशन जो मॉडल है वो कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन दोज एप्लीकेशंस विच कैन बी क्विकली डेवलप्ड यूजिंग इंटरऑपरेबल कॉम्पोनेंट्स, यानी ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें हम जल्दी बना सकते हैं यूजिंग दोज कॉम्पोनेंट्स दैट कैन बी इंटरऑपरेटेड विद ईच अदर सो दैट दे डिलीवर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी. ठीक है, सो ये बेसिक यूज है एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन मॉडल का, जहाँ पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअली ये मॉडल कहाँ कहाँ यूज़ करना सही रहेगा, और ऐसी कौन सी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है. इसके एग्जांपल हो गए ऐसी एप्लीकेशंस के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस, या फिर डेटाबेस मैनेजर हो गया, क्योंकि ये क्विकली डेवलप हो सकती हैं एप्लीकेशंस ऑलरेडी डेवलप्ड कॉम्पोनेंट से, जिन्हें जो आपस में मिल के एक डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस कंट्रोल पैकेजेस, लाइक मेडिकल कंट्रोल पैकेजेस, फाइनेंशियल कंट्रोल पैकेजेस एक्सेट्रा. ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक पैकेजेस और स्पेसिफिक डोमेन्स. इसके अलावा इन एप्लीकेशन में यूज करने के अलावा एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन एस्टिमेशन मॉडल और एक और जगह यूज हो सकता है, जहाँ पे प्रोटोटाइपिंग फेज हमें डेवलप करना है, या प्रोटोटाइपिंग फेज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अगर हमें यूज़ करना है उस टाइम पे हम ये वाला मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रोटोटाइपिंग फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट. प्रोटोटाइपिंग फेज मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है, so I hope you get an understanding of what is actually prototyping phase of an application. ठीक है, अब application estimation model basically object points पे काम करता है. It estimates the size and effort based on object points. So object points अब क्या होते हैं? Object points तीन different values या तीन different objects के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, और वो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन्स. आपके सॉफ्टवेयर में कितनी स्क्रीन्स हैं, कितनी रिपोर्ट्स बनती हैं या डिस्प्ले होती है या आउटपुट देता है आपका सॉफ्टवेयर, और थर्ड इज 3GL कॉम्पोनेंट्स. सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैलकुलेट ऑब्जेक्ट points, and through these object points we calculate the size. In the case of COCOMO 2 model, application composition estimation model. ठीक है, so अब effort को actually object points के through हम कैसे estimate करेंगे उनके steps देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम हर object के लिए उसका count निकालेंगे. so we basically assess ऑब्जेक्ट काउंट्स. असेस ऑब्जेक्ट काउंट का मतलब है वी एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्क्रीन्स रिपोर्ट्स एंड 3GL कॉम्पोनेंट्स. हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितनी स्क्रीन्स आएंगी जो यूज़र को विजिबल होंगी, कितनी रिपोर्ट्स डिस्प्लेड होंगी, और कितने 3GL कॉम्पोनेंट्स होंगे. इस स्टेप के बाद हमें एक बार काउंट पता चल गया, उसके बाद हम हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं.
कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द थ्री वैल्यूज और वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज विच इज सिंपल, मीडियम एंड डिफिकल्ट. अब ये कैटेगराइजेशन कैसे होती है वील गेट टू नो इन अ वाइल, लेकिन क्या क्या कंसिडर करते हैं हम इस कैटेगराइजेशन को करने के लिए वो एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे या तो सिंपल, मीडियम या डिफिकल्ट में. और अगर स्क्रीन्स को क्लासिफाई करना है तो स्क्रीन को क्लासिफाई करने के लिए हम दो वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं. एक तो होगी कि नंबर ऑफ व्यूज़ कितने हैं, नंबर ऑफ व्यूज़ ऑन द स्क्रीन प्लस द सोर्सेज. ये आपको जब आप मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको वो बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा. और रिपोर्ट्स को हम किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस प्लस द नंबर ऑफ सोर्सेज और व्हाट आर द सोर्सेज. ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली सोर्सेज, व्यूज और सेक्शन होते क्या हैं. सपोज आपके पास आपने काउंट करे नंबर ऑफ स्क्रीन्स, ये है द टेबल शोइंग द कैटेगराइजेशन फॉर स्क्रीन्स. ऑलराइट, सो स्क्रीन्स के लिए आपने काउंट निकाला सबसे पहले और अब आपको हर एक स्क्रीन को क्लासिफाई करना है या कैटेगराइज करना है. तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उस स्क्रीन में कितने व्यूज़ हैं. अगर नंबर ऑफ व्यूज़ लेस देन थ्री है तो फर्स्ट रो में आप फर्स्ट रो के किसी वैल्यू को पिक करेंगे. अगर 3 to 7 है तो सेकंड रो कंसिडर करेंगे. एल्स अगर नंबर ऑफ व्यूज इन द स्क्रीन आर ग्रेटर देन 8 देन यू विल कंसिडर द थर्ड रो. एंड दिस विल दिस दीज वैल्यूज वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन वाइल यू आर सॉल्विंग. यू विल बी प्रोवाइडेड कि आपके सॉफ्टवेयर में इतनी स्क्रीन्स हैं, इतनी रिपोर्ट्स हैं और इतने कॉम्पोनेंट्स हैं एंड हर स्क्रीन में इतने व्यूज हैं और इतने सेक्शंस और सोर्सेज हैं. ठीक है, सो स्क्रीन के लिए हमने नंबर ऑफ व्यूज देख लिए. उसके बाद अगर आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया कि कौन सी रो में आपकी वैल्यू लाई करेगी या कौन सी रो से आपको वैल्यू पिक करनी है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या टोटल नंबर है और क्या सोर्सेज हैं उन डेटा टेबल्स के. सो सपोज आपकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स 4 है, यू विल सी दिस रो. And you know that the number of server screens or the server data tables, the data tables that are used by the server or that are connected to the functionality of the server lies between 2 to 3. Or client ke liye hamare paas 4 tables hai, data tables. So, us case mein aap second row ka second column mein intersection dekhenge, which is medium. ऑलराइट, ये हमने देखा कि कैसे कैटेगराइज करते हैं फॉर स्क्रीन्स. नेक्स्ट कम्स द कैटेगराइजेशन फॉर रिपोर्ट्स. सेम इज द केस फॉर रिपोर्ट्स. दिस इज द टेबल दैट आई हैव गिवन फॉर रिपोर्ट्स. इस केस में भी आप ऐसे ही रीड करेंगे इस टेबल को और ये वैल्यूज भी सेम ही है, बस डिफरेंस है इन वैल्यूज में और नंबर ऑफ व्यूज की जगह अब आप नंबर ऑफ सेक्शंस कंसिडर करेंगे. सो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो भी होगा वो वैल्यू या वो कैटेगरी आप पिक करेंगे. एक बार आपने कैटेगरी पिक कर ली उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्सिटी वेट असाइन करना है टू ईच ऑब्जेक्ट. ठीक है, असाइन कॉम्प्लेक्सिटी वेट डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी दैट यू हैव असाइंड. ठीक है, अगर 4 स्क्रीन्स हैं, चारों स्क्रीन सिंपल कैटेगरी में फॉल करती हैं तो उसके लिए आपको एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी या फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी वेट असाइन करना पड़ेगा जो कि इस टेबल से आपको पिक करना है. अब अगर स्क्रीन है, स्क्रीन सिंपल है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वेट होगा 1. अगर रिपोर्ट है, रिपोर्ट डिफिकल्ट कैटेगरी में आपने क्लासिफाई करी है तो उसका वेट होगा 8 एंड सो ऑन. लेकिन आपको ये याद रखना है 3GL कॉम्पोनेंट्स हम हमेशा डिफिकल्ट में क्लासिफाई करते हैं, तभी उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टेबल नहीं है और हमेशा उनकी वैल्यू 10 ही आती है एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी वेट्स. एक बार आपने कॉम्प्लेक्सिटी वेट्स भी फाइंड आउट कर लिए देन योर वर्क इज और द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटी वेट्स टू गेट अ सिंगल वैल्यू. ठीक है,
इससे आपको ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे. टू गेट द टोटल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स या फिर टू गेट ऑब्जेक्ट पॉइंट काउंट. आपने अगर कैलकुलेट करा कि स्क्रीन मीडियम है उसकी वैल्यू आई 2 और रिपोर्ट सिंपल है उसकी वैल्यू आई 2, तो 2 + 2 = 4 विच इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स. अब ऑब्जेक्ट पॉइंट्स तो कैलकुलेट हो गए, लेकिन इसके बाद हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को भी कंसिडर करते हुए न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं बाय कंसिडरिंग द रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट वुड बी यूज्ड बाय अस इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. सो क्योंकि हमें कंप्लीट एफर्ट नहीं डालना होता रीयूजेबल कंपोनेंट्स में, हमें कंप्लीट डेवलपमेंट एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए जो भी परसेंटेज रीयूज है हमारा सॉफ्टवेयर में उसे हम टोटल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं. बिकॉज इन बाय यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स वी आर रिड्यूसिंग आर एफर्ट्स एंड वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट ऑल दीज कंपोनेंट्स so that they fix or they merge well into our software and give the required functionality. ठीक है, so number of new object points को calculate करने का ये formula है जो कि आप object points जो आपने calculate करे हैं और percentage reuse in the software जो कि आपको question में given होगा वो दोनों values को use करके आप निकालते हैं, which is the object points multiplied by 100 minus the percentage of reuse divided by 100. ठीक है, तो आपके पास object points आ गए, new object points आ गए. हमने subtract इसलिए करा है क्योंकि ये इतनी percentage में हमें complete effort, इतने percentage of the software में हमें complete effort नहीं लगाने. ठीक है, तभी हमें टोटल एफर्ट्स में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी रेट. नाउ प्रोडक्टिविटी रेट इज बेसिकली डिपेंड और इट इज कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट प्रोजेक्ट्स. सो इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट्स ऑन the past project data. You can write it down like that, past project data. और जो भी आपकी value आई है number of object points के बाद, उसके बाद जब आप productivity rate calculate करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि total productivity rate okay, so I'll write it down here. Total productivity rate you'll मंथ्स. सो अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स निकाल लिया, फिर आप प्रोडक्टिविटी रेट निकालेंगे विच इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स डिवाइडेड बाय पर्सन मंथ्स. और जो भी क्वेश्चन में आपको डेवलपर एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी स्पेसिफाई कर रखा है, अगर डेवलपर का बहुत ही लो एक्सपीरियंस है तो प्रोडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी? 4. अगर नॉमिनल है एक्सपीरियंस तो प्रोडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी? 13. एंड दीज वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट वी हैव गेन्ड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट. एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल ऑन फाइंडिंग द प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट, तो प्रोडक्टिविटी पास्ट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड होती है और पास्ट प्रोजेक्ट पे के बेसिस पे और ये जो वैल्यूज आपको गिवन है इसके बेसिस पे जो ये वैल्यू निकल के आएंगी उससे आप एक फाइनल एफर्ट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एनओपी एंड प्रोडक्टिविटी. ऑलराइट, सो द फाइनल वैल्यू दैट कम्स आउट इन पर्सन मंथ्स इज एनओपी डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी एंड दिस वैल्यू की यूनिट्स होंगी पर्सन मंथ्स. सो इस तरीके से हम 7 स्टेप्स यूज करके अप्लाई करते हैं अपना कोकोमो 2 मॉडल का एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल और इस तरीके से डेवलपमेंट एफर्ट कैलकुलेट होता है. आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, स्क्रीन रिपोर्ट्स और 3GL कंपोनेंट्स वो काउंट करेंगे.
हर ऑब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी में लाए कर रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द टेबल्स और क्लासिफाई करेंगे उनके मतलब इस बेसिस पे उन्हें सिंपल, मीडियम और कॉम्प्लेक्स में. उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सिटी वेट असाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी. टोटल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग ऑल दीज वैल्यूज. न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कैलकुलेशन होगी बाय सब्ट्रैक्टिंग द परसेंटेज रीयूज. प्रोडक्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन डेवलपर एक्सपीरियंस एंड केपेबिलिटी. ये सारी वैल्यूज पास्ट प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस से आई हैं, तो आपको बस ये देखना है कि ये वैल्यू क्या दे रखी है या इन डेवलपर एक्सपीरियंस एंड केपेबिलिटी और आई केस मेच्योरिटी क्या स्पेसिफाई कर रखी है क्वेश्चन में. उसके बेसिस पे आप प्रोडक्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे और फाइनल एफर्ट कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स. सो दिस इज नंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्टिविटी. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे इस मॉडल का, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. आई होप यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट इज एप्लीकेशन कॉम्पोजिशन मॉडल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please subscribe to our channel for more lectures on software engineering and other computer science related subjects. Thank you.